अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगैन। तो आज हम बनाने वाले हैं मावा रोल, विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू टर्किश स्वीट बकलावा। बनाने में ये बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट बहुत ही हेवनली है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टफिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मावा ले लिया है, जिसको मैंने हाथों से अच्छी तरह से क्रम्बल कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। चीनी हमें लेनी है 1/2 कप। एक पैन में हम मावा ऐड करेंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें इसको पिघाल लेना है, ठीक है ना, मेल्ट कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आप नॉनस्टिक पैन का ही यूज़ करें इसको कुक करने में, ताकि आप इसको कुक करने में आसानी हो जाए और ये तले में कम लगेगा, ठीक है ना, पकाने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर जो है हमारा मावा मेल्ट होने लगा है और इसका आप देख सकते हो फैट भी रिलीज़ होने लगा है। स्टफिंग बनाते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो हो, ठीक है ना, वरना नीचे से तले में लगने के चांसेस है कि ये नीचे से जल जाए। और इसको कंटिन्यूसली हमें स्टर करते रहना है। ये पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे और अब हम चीनी को कुक करेंगे ताकि चीनी भी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट होके मिक्स हो जाए। चीनी भी यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो गई है, घुल गई है, आप देख सकते हो। चीनी के मेल्ट होने की वजह से ये बिल्कुल लिक्विड ऐसा हो गया है ये मिक्सचर। तो अच्छी तरह से हम कुक करेंगे, ठीक है ना, लो फ्लेम पर कंटिन्यूसली स्टर करते हुए, ताकि ये वापस से थोड़ा सा सख्त हो जाए, ठीक है ना। इतना कुक करेंगे कि बस ये आपस में जुड़ने लगे, एक जान हो जाए। चीनी भी यहाँ पर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, आप देख सकते हो। जो चीनी पहले थी इसकी वजह से ये लिक्विड ही हो गया था, अब ये थोड़ा सा स्टिफ होने लगा है, आपस में जुड़ने लगा है। अब हम हमारी जो स्पैटुला है उससे इसको एक तरफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सारा जुड़ने लगा है ना। बस हमें इतना ही कुक करना है, इससे ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा सख्त हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा, बस अब हम इसको निकाल लेंगे। में जो मीठा है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा क्रंच आ जाए इसलिए मैं इसमें थोड़े से कुटे हुए बादाम, पिस्ते और काजू ऐड कर दूंगी। कूटकर हम इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक टिन ले लिया है, केक टिन आपके पास कोई भी हो, स्क्वायर, सर्कल, ठीक है, वो आप ले लें। और आप कोई सी भी प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और उसको हम बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे सभी तरफ। हम रोल बनाने की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी समोसा शीट्स। बाज़ार में जो हमें रेडीमेड समोसा शीट्स मिलती है, समोसा पट्टी, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, है ना, हमारा काम आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी अलग से शीट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर बटर लगाना है अच्छी तरह से मेल्ट करके। आप चाहो तो यहाँ पर घी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, मैं यहाँ पर बटर यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से सभी तरफ हम इसके ऊपर बटर लगा लेंगे। बटर जो है हमें शीट के आगे और पीछे दोनों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। यहाँ पर अच्छे से बटर ग्रीस कर लिया है मैंने। अब हम थोड़ा सा मावा लेंगे और उसको इस तरह से शेप देके इसके ऊपर रखेंगे और इसका रोल बना लेंगे इस तरह से। मावा आपको अच्छी तरह से थोड़ा सा अंदर से रखना है, ठीक है ना, एजिस तक, बाहर तक इसको फिल नहीं करना है, अदरवाइज़ बेकिंग करते समय ये बाहर निकल जाएगा, इसलिए आपको ध्यान से इसको थोड़ा सा अंदर ही रखना है। और इसी तरह से बस हमें सारे रोल बना करके रेडी कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने सारे रोल्स रेडी कर लिए हैं और इस तरह से ट्रे में हमने जमा दिए है इसको। और बाकी का हमारा बटर बच गया था, वो हम इसके ऊपर अच्छी तरह से डाल के सभी तरफ फैला लेंगे। और अब हम इसको प्रीहीटेड ओवन के अंदर बेक करने रखेंगे 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे अराउंड 30 मिनट्स के लिए। अभी के ओवन डिफरेंट होते हैं, तो आप 30-25 मिनट्स तक आप चेक करते रहिएगा। अगर और ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप इसको और थोड़ा सा ज़्यादा बेक कर सकते हैं। हम इसके ऊपर डालने के लिए चाशनी बना के रेडी करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैंने यहाँ पर ले ली है चीनी, और इसको ऐड कर देंगे। और 1 कप जितना हम इसमें पानी ऐड कर देंगे।
अब हमेशा की तरह सबसे पहले हम चीनी को जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे, घोल लेंगे। यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो गई है हमारी, आप देख सकते हो। अब इस स्टेज पर मैंने यहाँ पर 3 से 4 इलायची के दाने ऐड कर दिए थे एक फ्लेवर के लिए। आप चाहो तो इसमें ऑरेंज जूस भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, 2 to 3 टेबलस्पून, जिससे इसमें ऑरेंज का टेस्ट आ जाएगा। इस स्टेज पे आप कोई भी फ्लेवर इसको दे सकते हो। अब हम इसको कुक करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट मैंने यहाँ पर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लिया था और यहाँ पर हमारी चाशनी रेडी हो गई है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और चाशनी को उतार लेंगे फ्लेम से। यहाँ पर हमारे मावा रोल भी बेक होकर के रेडी हो गए हैं। अब हमें इसके ऊपर चाशनी ऐड करनी है, लेकिन चाशनी हम इस पे गरम गरम में ऐड नहीं करेंगे। इसको 5 मिनट्स के लिए थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। तब तक हमारी चाशनी भी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी और फिर इसको हम चाशनी को इसके ऊपर ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब हम इस पे चाशनी ऐड करेंगे सभी तरफ, इस तरह से चम्मच की मदद से सभी तरफ चाशनी को अच्छी तरह से फैला के ऐड करेंगे। इसको हम गार्निश करेंगे कुटे हुए पिस्ता ऐड करके। इसको हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, फिर मैं आपको इसको सर्व करके बताऊंगी। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं, ये ठंडे हो गए हैं। यार है यहाँ पर हमारे बहुत ही डिलीशियस और हेवनली मावा रोल, ठीक है ना। आप इसको सर्व करने के बाद ऊपर से थोड़ी सी चाशनी और ड्रिजल कर सकते हो और थोड़े से और पिस्ता से गार्निश कर सकते हो, ताकि ये दिखने में और भी सुंदर लगे। इसको आप ज़रूर ट्राई करना और अपने फीडबैक्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और आप और क्या क्या देखना चाहते हैं मुझसे, और कौन सी रेसिपीज़ आप एक्सपेक्ट करते हो, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना, इससे मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।